हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कस्तूरी पार्ट दो। कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है कि मनुष्य की हिम्मत ही सबसे महत्वपूर्ण है। अब किसी भी कार्य करने को से पहले अगर मनुष्य हिम्मत कर ले और कठिन परिश्रम करे तो वह किसी भी काम को कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे तो वो कांटों को भी काट के रास्ता बना सकता है या पत्थर को रगड़ के पानी निकाल सकता है, क्योंकि तो मनुष्य के अंदर ईश्वर ने बहुत सारे गुण दिए हुए हैं। अगर बस उसको अपने गुण को तराशने की आवश्यकता है, बस ढूंढने की आवश्यकता है और उसको तराशा परिश्रम के माध्यम से जा सकता है। अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तभी हम सफल होंगे। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यहाँ पर कवि कहता है कि जब विपत्ति आती है, मनुष्य का जीवन है, ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है, तो उसमें अगर सुख होगा तो दुख भी होगा, लेकिन जो महान पुरुष होता है, जो धैर्यवान पुरुष होता है, वो विपत्ति के समय घबराता नहीं बल्कि उसको उसका समाधान करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से विपत्ति के जीवन से मुक्त हुआ जाए। और लेकिन कायर जो होते हैं, जो कि परिश्रमी नहीं होते हैं, जो कि कामचोर होते हैं, ऐसे लोग विपत्ति के समय से डरते हैं। अतः अगर हम कायर नहीं होंगे, अर्थात हम परिश्रमी होंगे, तब हमें कभी भी विपत्ति नहीं डरा सकी। विपत्ति के समय में हम धैर्य नहीं खोते। सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा जो शूरवीर है वो विपत्ति के समय कभी भी परेशान नहीं होते, विचलित अर्थात परेशान, विचलित नहीं होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। अपनी विपत्ति के समय भी एक क्षण के लिए धैर्य नहीं खोते, अर्थात परेशान नहीं होते, बल्कि विघ्नों को गले लगाते हैं। विघ्न को गले लगाते हैं, वो अपने जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को अपने जीवन का अपना मार्ग समझते हैं और उस पर चलते जाते हैं। इस प्रकार से कांटों में भी विघ्न, मुसीबत में भी चलकर कांटों में राह बना लेते हैं, अर्थात अपने परिश्रम से अपना जीवन मार्ग सरल और आसान बनाते हैं, तभी वो प्रसन्न रह पाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत की जाते पांव उखड़। है कौन विघ्न ऐसा जग में, कभी कहना चाहता है कि कोई बताए, कोई मनुष्य कि कौन सा विघ्न, कौन सी बाधा इस संसार में है, टिक सके आदमी के मग में, जो मनुष्य के रास्ते में टिकी रह सकी है। इसलिए कि कभी आशा है तो निराशा है और सुख है तो दुख है। तो इस प्रकार कभी क्या दोनों एक साथ रहते हैं, एक आता है तो दूसरा जाता है, क्योंकि मनुष्य अपने धैर्य से, अपने परिश्रम से उसको हटा लेता है। तो इस प्रकार कवि कहता है कि कोई मनुष्य बताए कि कोई विघ्न ऐसा संसार में है जो मनुष्य के मार्ग में टिका हो, खम ठोक ठेलता है जब डर, जब नर, जब मनुष्य खम ठोक अर्थात बहुत अधिक मेहनत करता है, जब मनुष्य बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो पर्वत की जाते पांव खर के पर्वत भी हटा सकता है, पर्वत को भी हिला सकता है, अर्थात जब बहुत परिश्रम करेगा तो पर्वत को भी अपने स्थान से हटा के दूसरे स्थान करने का साम्य रखता है। मानो जब जोर लगाता है, कभी कहता है अगर मानो जोर लगाता है अर्थात बहुत परिश्रम करता है तो पत्थर को भी पानी में बदल सकता है, अर्थात पत्थर से भी झरना निकाल सकता है, नदियां बहा सकता है, अर्थात उसके परिश्रम के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो
वर्तिका बीच उज्याली हो। तो कहते हैं कभी कि एक से एक गुड़, एक से एक गुड़ मनुष्य के अंदर, बड़े गुड़ मनुष्य के अंदर छुपे हुए हैं। जिस प्रकार मेहंदी में लाली होती है, जब तक कि हम उसको हाथ में नहीं लगाते तो उसका रंग नहीं बदलता, पहले हरी होती है बाद में लाल। तो जिस प्रकार मेहंदी के अंदर लाली होती है और दिए की बत्ती के बीच में उजाली होती है कि जब हम दिया जलाते हैं तो उजाला पाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम कर्म करेंगे, जब हम कर्म करेंगे तब उसका फल हमें मिलेगा। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हम फल कहाँ से पाएंगे? कर्म अर्थात परिश्रम। तो जब हम लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करेंगे तभी हमें लक्ष्य में विकास का मार्ग अवसरित होगा। तो कवि कहता है कि बत्ती जो नहीं जलाता है, कवि कहता है जो बत्ती ही नहीं जलाता, कि अगर हमारे घर में लाइट है या दिया है, हम रोशनी के लिए, अंधेरा है हमारे घर में, अगर रोशनी के लिए हम स्विच ऑन नहीं करेंगे या दिया है तो दिया नहीं जलाएंगे, तो क्या हमें रोशनी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमें अपने लक्ष्य को भेदना है, अगर हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य है तो उसको साधने के लिए हमें परिश्रम की आवश्यकता होती है, और कठिन परिश्रम से ही अपने जीवन को के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर और देखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कि कवि कहता है कि विपत्ति सच है, ये वास्तव में कि विपत्ति आती है तो जो कायर होते हैं, जो परिश्रम नहीं करना चाहते वही पहले डरते, लेकिन जो परिश्रमी होता है वो डरता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से शूरवीर कभी भी अपने विपत्ति के समय परेशान नहीं होते और एक क्षण भी धैर्य नहीं खोते, बल्कि जो विपत्ति और विघ्न उनके मार्ग की बाधाएं होती हैं, उनको गले लगा करके परिश्रम के द्वारा उनको दूर करने का प्रयास करते जाते, और कांटों में उन बाधाओं रूपी कांटों से भरे मार्ग में अपनी राह को तलाशते जाते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को साधते जाते हैं, भेदते जाते हैं, तभी वह सफल होते हैं। अगर हम कायर होंगे, हम कार्य ही नहीं करेंगे और विपत्ति, काम करने से पहले ही विपत्ति से डर जाएंगे, तो हम कभी भी विकास के मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। कवि यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी विघ्न ऐसा है, कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठूक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कि कहता है कि कोई विघ्न ऐसा नहीं है जो मनुष्य के रास्ते में रुक सके, क्योंकि अगर मनुष्य ठान लेता है, अगर मनुष्य ठान लेता है कि हमें परिश्रम करना है और अपने जीवन को सरल और सरल बना लेना है, तब मनुष्य पर्वत को भी का भी स्थान बदल देता है, और अगर वह जोर लगाता है, अगर पानी नहीं होता है तो अपने परिश्रम से कुएं खोद लेता है और नदियां भी बहा देता है। तो गुड़ बड़े एक से एक प्रकार है, छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली। मैं कभी कहता है कि हर गुण मनुष्य के अंदर है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेहंदी हरी दिखती है लेकिन उसका गुण क्या है? लाल है। और दीपक का गुण है उजाला देना, अपने अंधकार में रह लेता है लेकिन दूसरों को उजाला देता है। तो जिस प्रकार हम मेहंदी लगाते हैं तो लाली पाते हैं और दीपक जलाते हैं तो उजाला पाते हैं, तो इसी प्रकार मेहंदी और दीपक में जैसे गुण हैं वैसे ही गुण मनुष्य में हैं। तो उन गुणों को उजागर करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, अर्थात बत्ती जो नहीं जलाता है, कभी कहता है अगर बत्ती जो नहीं, अर्थात परिश्रम जो नहीं करता, रोशनी वह नहीं पाता, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कि अगर हमारे घर में अंधकार है, हम दिया नहीं जलाएंगे, अपने घर के स्विच ऑन नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उजाले में नहीं जा सकते। हम सोचेंगे अपने आप हो जाएगा तो अपने आप कुछ नहीं होने का, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को भेदने के लिए हमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर ने संकेत दिया कि अगर जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है तो कठिन परिश्रम करो, तभी जीवन सुखमय और स्वतंत्र और स्वतः
मार्ग पर विकसित हो सकता है। थैंक यू बच्चे।